एपिसोड 18। अहमद ने कुछ देर सर झुकाकर सोचने के बाद कहा, भाईजान अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? साध ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे मालूम था कि तुम ये सवाल पूछोगे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं एक ला हासिल बहस में वक्त जाय करना मुनासिब न समझता। बहुत अच्छा भाईजान, मैं जाता हूँ। साद ने कहा, लेकिन अभी नहीं, तुम्हें तुलू आफ्ताब का इंतजार करना चाहिए। इस वक्त वो बहुत चौकस होंगे। इदरीस के नौकर से कहो कि वो तुम्हारा घोड़ा शहर के जनूबी दरवाजे से बाहर ले जाए और तुम खुद यहाँ से एक नौकर का लिबास पहनकर पैदल जाओ। अपनी जरह वगैरह यहाँ छोड़ जाओ। मैमूना ने दूसरे कमरे से कहा, मैं सब इंतजाम कर देती हूँ। साद ने कहा, जाओ अहमद, तैयारी करो। तुलू आफ्ताब के वक्त अहमद इदरीस के एक नौकर का लिबास पहनकर साद को खुदा हाफिज कह रहा था। कमरे से निकलकर चंद सीढ़ियां नीचे उतरने के बाद वो कुछ सोचकर वापस मुड़ा और दूसरे कमरे के दरवाजे के करीब पहुंचकर बोला, बहन मैमूना, आपको यकीन है कि भाईजान के लिए ये जगह महफूज होगी? मेरा मतलब है कि आपके नौकरों पर एतमाद किया जा सकता है? मैमूना ने कहा, आप फिक्र न करें, मुझे अपने नौकरों पर एतमाद है। हसन की शक्ल भाईजान से बहुत मिलती है, आप हत्तुल वसा उसे बाहर न निकलने दें। मैमूना ने जवाब दिया, आप इत्मीनान रखें, हसन बहुत समझदार है। अपनी वालदा को मेरा सलाम कहें और उन्हें तसल्ली दें। अहमद नीचे उतरा तो हसन सहन में खड़ा था। उसने कहा, अखी आप कोई ऐसी बात ना कहें जिससे अम्मी जान परेशान हो, और चचा अलमास को भी यहाँ आने से रोकें। हम भाईजान के तंदुरुस्त होते ही घर पहुँच जाएंगे। अहमद ने कहा, हसन ये सब मेरा कसूर है। अगर भाईजान को कोई तकलीफ हुई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूँगा। आप मुतमईन रहें, भाईजान का बाल बीका तक नहीं होगा। ये लोग कल तक फिर अपने जश्न में महव हो जाएंगे। अहमद ने कहा, मैंने एक तदबीर सोची है, अगर वो कामयाब हो गई तो मुझे यकीन है कि वो भाईजान को अशबीलिया में तलाश नहीं करेंगे। हसन ने चौंक कर कहा, देखिए भाईजान, खुदा के लिए आप कोई खतरनाक कदम ना उठाएं, आप वादा करें कि सीधे घर जाएंगे। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं सीधा घर जाऊंगा। तुम मैमूना से कलम और दवात ले आओ, जल्दी करो। हसन भाग कर ऊपर से कलम और दवात ले आया। अहमद ने अपनी जेब से वो कागज़ निकाला जिस पर उसने मोतमिद और इबन अम्मार की हिजो लिखी हुई थी। उस पर चंद और अल्फाज लिखने के बाद कागज़ दोबारा अपनी जेब में डाल लिया। हसन ने कहा, भाईजान मुझे बता कर जाएं कि आप क्या कर रहे हैं। ये उस वक्त बताऊँगा जब तुम गरनाता पहुँचोगे। अच्छा, खुदा हाफिज़, अहमद ने देवड़ी की तरफ बढ़ते हुए कहा। हसन दरवाजे तक उसके साथ आया। जब अहमद बाहर निकला वो देर तक नीम व दरवाजे से सड़क की तरफ ही देखता रहा। भेड़ियों की शिकारगाह। साद फितरतन एक निडर सिपाही था और उसके नज़दीक कौम के मुस्तकबिल के मुकाबले में अपनी जिंदगी की कोई हकीकत न थी। जब वो मोतमिद के पहरेदारों के शिकंजे से निकल कर भागा था तो भी मौत के खौफ की बजाय उसके दिल में यही जज्बा मौजज़न था कि एक बुलंद नस्बुल ऐन के लिए उसे जिंदा रहना चाहिए। और अब जबकि इदरीस के मकान के एक कमरे में बिस्तर पर पड़ा हुआ था, उसे मोतमिद के सिपाहियों से कहीं ज्यादा उसी किस्म के ख्यालात परेशान करते थे कि अब अंदलुस का अंजाम क्या होगा। उसके सामने ये सवाल न था कि वो इस मकान से निकलकर गरनाता क्यों कर पहुंचेगा, बल्कि वो हर वक्त यही सोचता था कि कौम को तबाही और जिल्लत के गढ़ों से निकाल कर फलाह और तरक्की की शाहराह पर लाने की सूरत क्या हो सकती है। मोतमिद के दरबार में जो कुछ उसने अपनी आंखों से देखा था उसके बाद वो ये महसूस करता था कि उसने अपने लिए एक दुश्वार रास्ता मुंतखब किया है। मैमूना के मुतालिक अगरचे वो यही सोचता था कि जिंदगी का एक और हादसा उन्हें फिर एक बार एक दूसरे के करीब ले आया है और उसकी जिंदगी की कठिन राहों में कोई मकाम ऐसा नहीं आया जहाँ कोई दम ठहर कर वो मैमूना की तमन्ना कर सकता हो, ताहम वो ये महसूस कर रहा था कि आने वाली जिंदगी के हंगामों ने अगर उसे कभी माजी के मुतालिक कोई हसीन ख्वाब देखने की मोहलत दी तो वो मैमूना के मुतालिक होंगे। मैमूना को चंद बरस के बाद उसने पहली बार उस वक्त चांद की धुंधली रोशनी में देखा था जबकि जख्म और थकावट से निढाल होने के बायस उसकी आंखों के सामने स्याही फैल रही थी। फिर उस वक्त जब एक रात उसे सख्त बुखार था और पिछले पहर हसन उसके करीब कुर्सी पर ऊँगते ऊँगते सो गया था तो उसने कराहते हुए पानी मांगा था और मैमूना जिसने बराबर के कमरे में शायद तमाम रात आंखों में काटी थी उसके लिए पानी लेकर आई थी। साद ने चंद घूंट पानी पीने के बाद
एक सानिया के लिए उसकी तरफ देखा था और फिर आंखें बंद कर ली थी। मैमूना ने अपने कमरे की तरफ लौटते हुए अचानक उससे सवाल किया था, अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, मुझे अफसोस है कि मैंने आपको इतनी तकलीफ दी है। और वो मुंह फेर कर आहिस्ता से ये कहने के बाद अपने कमरे में चली गई थी, काश मैं आपकी तकलीफ में हिस्सादार बन सकती। उसके बाद वो रू बसेहत था तो मैमूना दिन में चंद बार दरवाजे की आड़ में खड़ी होकर हसन से उसके मुतालिक पूछ लिया करती थी और साथ के कानों में देर तक उसकी दिलकश और मीठी आवाज गूंजा करती थी। वो दूसरे कमरे या बरामदे में उसके पांव की आहट सुनता तो उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती और वो थोड़ी देर के लिए तसव्वुरात के अजीब व गरीब महल तामीर करने लग जाता। लेकिन अचानक वो किसी तलख एहसास के मातहत चौंक उठता और तसव्वुरात के ये महल मिट्टी का अंबार बनकर रह जाते। इस मिट्टी के अंबार से अंदलुस के हालात की भयानक तस्वीर नमूदार होती और उसकी जिंदगी का पैमाना तलखियों से लबरेज हो जाता। उसके सामने वो बेहिस हुक्मरान कतार बांध कर खड़े हो जाते जो अंदलुस की लाश को गिद्धों की तरह नोच रहे थे। उसे उस दुश्मन की अफवाज नजर आने लगती जो अंदलुस के मुसलमानों को नेस्त नाबूद करने की तैयारियां कर रहा था। वो अपने दिल में कहता, मैं यहाँ कब तक पड़ा रहूंगा, मुझे बहुत जल्द यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए। मैमूना के एहसास उससे मुख्तलिफ थे। वो सआद को उस दिन से अपना समझती थी जब वो उनके एक मददगार की हैसियत से मरतबा पहुंचा था। कमसनी के जमाने में वो सआद के लिए अपने दिल में एक बेपनाह अकीदत लेकर करतबा से अशबीलिया आई थी। उसके बाद जवानी की मंजिल में कदम रखते हुए जब वो अशबीलिया में अपने हम उम्र सहेलियों से शहर के नौजवानों के मुतालिक सुना करती थी तो वो अक्सर सोचा करती थी कि दुनिया में एक इंसान जिसे सिर्फ वो जानती है उन सबसे ज्यादा हसीन, बहादुर, नेक और रहमदिल है। मुस्तकबिल की तरफ उसका हर कदम इस यकीन के साथ उठ रहा था कि वो किसी दिन जरूर आएगा। उसे इंतजार था, एक ऐसा इंतजार जिसकी लज्जत इस्तराब से गालिब थी। वो हर नमाज के बाद उसके लिए दुआ किया करती थी। वो हर दुआ के बाद अपने दिल में ये तस्कीन महसूस किया करती थी कि साथ उसका है, वक्त और बौत के पर्दे उसके दरमियान हायल नहीं हो सकते, वो जरूर आएगा। और फिर जब शहजादा रशीद उसकी तरफ माइल हुआ तो वह अपने दिल में एक बेचैनी सी महसूस करने लगी। कभी कभी वो दुआ के लिए हाथ उठाती तो उसकी आंखें पुरनम हो जाती। वो कहती, साथ तुम कहाँ हो, तुम मुझे भूल तो नहीं गए, तुम कब आओगे? और अब साथ उसके घर में था। अब वो ये सोचा करती थी कि उसका अशबीलिया में आना और उसका जख्मी होकर उसके घर ठहरना महज इत्तफाकी हादसा नहीं, उसे कुदरत की वो अनदेखी ताकतें खींच कर लाई हैं जिन्हें वो पिछले पहर की दुआओं में पुकारा करती थी। ये जानते हुए कि मोतमिद के सिपाही उसकी तलाश में हैं, वो मुतमईन थी। उसे यकीन था कि कुदरत के जो हाथ उसे खींच कर मेरे पास ले आए हैं किसी बैरूनी कुव्वत को उस पर गालिब नहीं आने देंगे। साथ के सामने उसने अपने दिल की धड़कनें जाहिर करने की जरूरत महसूस न की और उसकी वजह यह थी कि उसे अपने मुस्तकबिल के मुतालिक कोई शुबह न था। वो तसव्वुरात के ऐसे महल तामीर कर रही थी जो कभी मिसमार नहीं होते। मैमूना पहले दिन साथ के इलाज के लिए एक तबीब को बुलाना चाहती थी लेकिन साथ इस तजवीज़ के खिलाफ था। वो बार बार ये कहता रहा कि मेरा जख्म मामूली है, इसलिए वो मजबूरन इस दवाई पर इत्तफा करती रही जो घर में मौजूद थी। लेकिन दूसरे रोज साथ के जख्म की तकलीफ बढ़ गई और उसके साथ उसे बुखार भी आ गया तो मैमूना ने अपना एक नौकर भेजकर एक उम्र रसीदा तबीब को बुला लिया। मैमूना की माँ मौत से पहले इस तबीब के जेर इलाज रह चुकी थी और मैमूना और इदरीस के लिए उसके दिल में बिदराना शफक्कत पैदा हो चुकी थी और वो उसे चचा जान कहा करते थे। पहले दिन जब बूढ़ा तबीब साथ का जख्म साफ करके उस पर दवाई लगा रहा था तो मैमूना चेहरे पर नकाब डाले उसके करीब खड़ी कह रही थी, चचा ये भाईजान के दोस्त हैं, हम इनकी बदौलत करतबा से निकल कर यहाँ पहुँचे थे, ये एक हादसे में जख्मी होकर यहाँ पहुँचे हैं। मैंने सुना है कि पुलिस शहर में किसी अजनबी को तलाश कर रही है, अगर आपने किसी से जिक्र कर दिया कि हमारे घर में एक जख्मी आपके जेरे इलाज है तो मुमकिन है कि वो ख्वा मख्वा इन्हें परेशान करें। तबीब खामोशी से मैमूना की बातें सुनता रहा। हसन जो एक नौकर के लिबास में वहाँ खड़ा था तबीब की खामोशी पर सख्त परेशान था। तबीब ने जख्म पर पट्टी बांधने के बाद हसन की तरफ देखा और कदरे परेशान होकर मैमूना से सवाल किया, ये कौन है? मैमूना ने जवाब दिया, ये उनके साथ आया है। तबीब ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा, बेटी मुझे समझाने के बजाय तुम्हें अपने नौकरों को ताकीद करनी चाहिए
کہ وہ ان کے متعلق باہر کسی سے بات نہ کریں، اور مجھے بلانے کے لیے بھی کسی نوکر کو بھیجنے کی ضرورت نہیں، میں مناسب وقت پر خود آ جایا کروں گا۔ اگر یہ ادریس کے دوست نہ بھی ہوتے تو بھی ان کی تیمارداری اور حفاظت میرا فرض ہے۔ آج اندلس کو ایسے ہی نوجوان کی ضرورت ہے۔ تو آپ انہیں جانتے ہیں؟ معاف کیجیے، طبیب نے بات کاٹتے ہوئے کہا، انہیں ایک بار دیکھنے کے بعد کسی کو غلط فہمی نہیں ہو سکتی کہ یہ کون ہے، لیکن میں ایک بات سے حیران ہوں کہ یہ بات پولیس کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ یہ زخمی ہو کر یہاں پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں یقین ہو چکا ہے کہ وہ اشبیلیا کی سرحد پار کر چکے ہیں۔ میرے خیال میں وہ ان کے ساتھی ہوں گے۔ سعد نے اچانک بستر سے سر اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، پولیس کو کیسے معلوم ہوا کہ میرے ساتھی اشبیلیا کی سرحد عبور کر چکے ہیں؟ آپ اٹھنے کی کوشش نہ کریں، طبیب نے سعد کو دوبارہ بستر پر لٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں آپ کو سارا واقعہ سناتا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے اندلس کی مائیں بانجھ نہیں ہوئی۔ اب عجیب و غریب باتیں ظہور میں آنے والی ہیں۔ میں پولیس کے ایک زخمی سپاہی کو دیکھنے کے لیے گیا تھا۔ مجھے اس کی زبانی معلوم ہوا کہ کل صبح شہر کے جنوبی دروازے کے باہر ایک درسگاہ کے دروازے پر ایک کاغذ چسپاں تھا، جس پر معتمد ابن عمار اور ملکہ رمیکیہ کے متعلق ایک دلچسپ نظم لکھی ہوئی تھی۔ مکتب میں داخل ہوتے وقت کسی طالب علم نے یہ کاغذ دیکھ لیا، اور اس کے شور مچانے پر کئی اور طالب علم وہاں جمع ہو گئے۔ زندہ دل شاعر نے نظم کے اختتام پر یہ لکھا تھا کہ کل رات معتمد کے دربار میں حق کی آواز پہلی بار بلند کی گئی ہے، اب اہل اشبیلیا کا فرض ہے کہ وہ اس آواز کو خاموش نہ ہونے دیں۔ اگر مجھے موقع ملتا تو اشبیلیا چھوڑنے سے پہلے یہ نظم معتمد کو سنا دیتا، لیکن اب میں جا رہا ہوں، اور ہر نوجوان پر یہ فرض عائد کرتا ہوں کہ وہ یہ نظم معتمد کی ایوانوں سے لے کر عوام کے جھوپڑیوں تک پہنچا دے۔ اور کئی طالب علموں نے یہ نظم نقل کر لی۔ دروازے پر ان کا ہجوم دیکھ کر استاد بھی وہاں پہنچ گئے۔ ایک معلم نے لڑکوں کو ادھر ادھر ہٹا کر نظم پڑھی تو اس نے دروازے سے کاغذ اتار لیا اور پاس ہی پولیس کی چوکی میں لے گیا۔ پولیس نے تحقیقات کی تو کسی نے بتایا کہ اس نے مکتب کھلنے سے تھوڑی دیر پہلے ایک سوار کو دیکھا تھا جو میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ اس نے گھوڑے سے اتر کر دروازے پر کوئی کاغذ چسپاں کیا تھا۔ ان پڑھ ہونے کے باعث وہ اس میں کوئی دلچسپی نہ لے سکا۔ مزید سوالات کا جواب دیتے ہوئے اس نے بتایا کہ دروازے پر خنجر کے ساتھ کاغذ چسپاں کرنے کے بعد اس کا رخ فلاں سڑک کی طرف تھا۔ پولیس کے سواروں نے اس کا پیچھا کیا۔ راستے میں لوگوں سے اس کا پتہ پوچھتے ہوئے جب وہ شہر سے چار پانچ کوس دور ایک سرائے کے قریب پہنچے تو وہاں سے چند سوار نکل رہے تھے۔ سرائے کے مالک سے استفسار پر انہیں معلوم ہوا کہ یہ لوگ کل سے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ابھی ایک اور نوجوان جو شاید ان کا نوکر تھا یہاں آیا تھا، اور اس کے آتے ہی وہ سب گھوڑوں پر سوار ہو کر یہاں سے نکل گئے ہیں۔ پولیس نے ان کا پیچھا کیا، لیکن مقابلے میں پولیس کو پسپا ہونا پڑا۔ چھ سپاہی تیروں سے زخمی ہو کر واپس آئے ہیں۔ وہ زخمی سپاہی جسے میں دیکھنے کے لیے گیا تھا صرف اتنا دعویٰ کرتا تھا کہ کم از کم ان کے ایک گھوڑے کی ٹانگ اس کے تیر سے ضرور زخمی ہوئی ہے۔ حسن جو کچھ دیر پہلے بہت فکر مند تھا اب بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کر رہا تھا۔ سعد نے سوال کیا، آپ کو یقین ہے کہ وہ اشبیلیا کی سرحد عبور کر گئے ہیں؟ مجھ سے زیادہ پولیس والوں کو اس بات کا یقین ہے۔ آج صبح میں مسجد میں گیا تھا تو وہاں بھی یہی باتیں ہو رہی تھیں۔ پولیس کا کوئی اور دستہ ان کے تعاقب میں نہیں گیا؟ پولیس چھوڑ کر وہ شاید فوج بھیجنے کی بھی کوشش کرتے، لیکن انہیں ایک مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ کل آن کی آن میں اس نظم کی نقلیں شہر کے باقی تمام درسگاہوں میں پہنچ چکی تھیں۔ دوپہر تک کئی مسجدوں، درسگاہوں، گھروں، یہاں تک کہ بعض وزراء کے مکان کے دروازوں پر بھی یہ نظم چسپاں تھی۔ پولیس ان اشتہاروں کو اتار رہی ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اتارنے والوں کی نسبت لکھ کر چسپا کرنے والوں کے ہاتھ زیادہ مستعد ہیں۔ آج صبح تو یہ حالت تھی کہ مسجد کے صحن میں کئی اشتہار بکھرے ہوئے تھے۔ رات کو میرے مکان کے دروازے پر بھی کوئی ایسا اشتہار چسپاں کر گیا۔ وہ میں نے اتار لیا ہے، شاید میری جیب میں ہوگا۔ طبیب نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر کاغذ کا ایک پرزہ نکالتے ہوئے سعد کے ہاتھ میں دے دیا۔ سعد نے پڑھا، پہلا شعر یہ تھا، اشبیلیا کے جدت پسندوں نے الفاظ کا قدیم مفہوم بدل دیا ہے، اب بزدلوں کو بہادر اور لومڑیوں کو شیر کہا جاتا ہے۔ سعد کے چہرے پر ایک مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا، احمد تم بہت شریر ہو۔ حسن نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی کے ہاتھ سے کاغذ لے لیا، اور ایک نظر دیکھنے کے بعد
मैमूना की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अपाजान ये वही नज़म है। तबीब ने कहा, मेरे ख्याल में अब हमारे दरमियान कोई राज नहीं रहा। मैमूना आपको इत्मीनान दिला सकती है कि आप मुझ पर एतमाद कर सकते हैं। आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, लेकिन कम अज कम 4 दिन और चलने फिरने से परहेज कीजिए। मैं सिर्फ अपनी तशवीश दूर करने के लिए ये पूछना चाहता हूँ कि वो शायर कौन था। साद ने इत्मीनान से जवाब दिया, वो मेरा भाई है। मेरा भी यही ख्याल था और ये भी शायद आपका भाई है। तबीब ने हसन की तरफ देखते हुए कहा। हसन ने कहा, देखिए आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने सर ले रहे हैं। तबीब ने कहा, बेटा तुम फिक्र न करो। जू जू साद की हालत बेहतर हो रही थी, उसे एक कमरे में छुप कर रहना सब्र आजमा महसूस हो रहा था। शहर से मैमूना की बात सहेलियां उससे मिलने आया करती थी, इसलिए वो आम तौर पर निचले हिस्से में रहा करती थी। मेहमानों के लिए खाना भी वो अपने हाथ से तैयार किया करती थी। इब्तदा में जबकि साथ को ज्यादा तकलीफ थी, उस सुबह से शाम तक कई बार ऊपर आती और साथ वाले कमरे में खड़ी होकर हसन से उसके मुतालिक पूछती। 2 रातें जब साथ को सख्त बुखार था, उसने बराबर वाले कमरे में बैठकर गुजारी थी, और उसके बाद जब साथ की हालत बेहतर होने लगी तो वो बार बार ऊपर आने में एक झिझक सी महसूस करने लगी। ताहम अलस सुबह बिस्तर से उठते ही और रात के वक्त सोने से पहले जब तक वो ऊपर जाकर हसन से उसके भाई के मुतालिक पूछ न लेती, उसे चैन न आता। अगर वो जरा ताखीर से काम लेती तो हसन खुद पूछने चला जाता और उससे कमरे के दरवाजे पर खड़ा होकर कहता, आपा जान आज भाईजान की तबीयत बिल्कुल ठीक है। पेशकश रहबर टीम ने।